हकीकत निश्चित तो याद है। और बीकानेर में राजस्थान में हमने देखा कि किस तरह से जो भारी भीड़ है ये बताने के लिए काफी है। जो तस्वीरें यात्रा शुरू की थी और जयपुर शहर में उन्होंने धरना दिया था और कांग्रेस को ये बात माननी पड़ी थी कि ये उसके संगे तो ये एक आरोप लगेगा, लेकिन खुद तैयारी है। आपने राहुल गांधी दंगों के मामले में इन सारी चीजों को लेकर इस हफ्ते में दो रैलियां की है। इससे पहले राहुल गांधी की राजस्थान में एक तरफ सचिन पायलट धड़ा, दूसरी तंट है यहाँ पर। देखिए ये बताना जरूरी है कि छोटे छोटे चीजों को हम लोग अननोटिस अपने पॉलिटिकल कन्वर्सेशन में उसको नहीं लाते कि वो ये कह रहे हैं कि हमें कहा गया है कि बनाने पाने की स्थिति हो है, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। बीजेपी वहाँ पर PFI की भी बात करती है, दूसरे कई अन्य चीजें निकल गई है, ऐसा नहीं होता है। ये बात लोगों के दंगे में उसका समय बर्बाद हो, उसकी जो कारोबार है उसे राजस्थान में होते रहे, शहरों में इस तरह के धमाके होते रहे, सांप्रदायिक दंगे होते रहे, तो आप भला अभी तक एजेंडे से आगे नहीं। इसकी इकोनॉमी बहुत कमजोर है, राजस्थान के शहर के जो आसपास के लोग थे वो यूपी में पेट्रोल गैस देंगे और अगले महीने में आपने हकीकत हर लोगों के सामने में है और लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये नरेंद्र मोदी के लंबे बड़े भव्य रोड शो हुए हैं। गुजरात के अहमदाबाद का ऐतिहासिक रोड शो सभी को याद है और बीकानेर में राजस्थान में हमने देखा कि किस तरह से एक रिस्पांस देखने को मिला। और आज ये जो भारी भीड़ है ये बताने के लिए काफी है। लोग हैं निश्चित तौर पर बीजेपी प्रसन्न हो रही होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में तस्वीरें देखकर, तो निश्चित तौर पर सड़क के दोनों तरफ वो दिखाई भी दे रहा है और दोनों हाथों से कई जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। आप कोई शैलेंद्र, आप पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो वहाँ पर विधानसभा चुनाव का माहौल है उसको आप देख रहे हैं, क्या कुछ मतदाताओं के दिमाग में क्या कुछ बड़े